जय गुरु गोरखनाथ गांव बालंद जिला रोहतक गुरु गोरखनाथ जी के एक नए साधक नए भक्त जो अभी जिन्होंने अभी बाणा लिया है और सेवा पानी में लगे रहते हैं गोरखनाथ जी के इस नए मंदिर में ये सामने देख रहे हैं आप तारानाथ जी महाराज महाराज जी आदेश आदेश ये देख रहे हैं आप बिल्कुल खेतों में एकांत में हैं और यहीं पर ये अपनी गुरु की आज्ञा से सेवा में लगे रहते हैं जो साधना इनको जैसी बताई है अपनी साधना में लगे रहते हैं देख लीजिए आस पास कई किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है इस तरह साधक लगता है और अपनी सिद्धि और अपने इष्ट को प्राप्त करता है जब वो अपने गुरु की सेवा में इस तरह तत्पर होकर लगा रहता है यहीं पर साफ सफाई करते हैं और अपने जब तब इत्यादि में लगे रहते हैं यही अखंड ज्योत इन्होंने लगा रखे है और धुना अभी शुरू नहीं किया है कहते हैं कि अभी गुरु की आज्ञा नहीं है गुरु गोरखनाथ जी के नाम का कपड़ा इन्होंने रखा है बीच में और यहीं पर अपना साधन करते हैं कितना अच्छा लगता है इस तरह के साधक जब मिलते हैं उनसे भेंट होती है मुलाकात होती है पूछते हैं तो केवल इतना ही कहते हैं गुरु आज्ञा में इतना ही दिया है और इतनी सेवा में हम लगे हुए हैं ज्यादा कुछ मान नहीं ज्यादा कुछ बढ़ाई नहीं कोई बोर नहीं कोई फालतू बात नहीं तारानाथ जी दो मिनट का समय देंगे आप जी बात सुनो हाँ अभी आपने बाणा लिए कितना समय हुआ है मन जी आज साल भर हो जी जी जी। अच्छा अभी साल भर ही होगा अच्छा हाँ अभी साल भर ही होगा तो अपने गुरु जी कौन है नाथ जी महेंद्र नाथ जी, जी। गुरु जी भाए की, की। उम्र कितनी है कम से कम जी नब्बे नब... करीब ला मतलब हम लगा ले पचासी पचासी नब्बे से ऊपर भी उनकी उम्र है अभी गुरु ने केवल क्या बताया केवल सेवा करनी सेवा करनी है अच्छा अभी सेवा की सेवा अच्छा आपने इस उम्र में आके बाणा लिया है साधना शुरू की है तो अभी गुरु ने सेवा करने जी के लिए कहा जी, जी बहुत अच्छी बात आपने अपनी नौकरी की है एक पूरे एक दुकान के ऊपर बीस साल दी जी बहुत बहुत उत्तम आपने नौकरी की अपनी सारी उम्र में अपने परिवार को पाला परिवार नहीं है जी अच्छा आप परिवार नहीं क्या नहीं, नहीं थे जी नुपे 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 नुपे। अच्छा आप बिना शादी शुदा नहीं है आप ना। कुमारे ही है, है। नौकरी की है और अब भक्ति में आने वाले हैं। गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में आने वाले जय गुरु गोरखनाथ